मारुति की गाड़ी अगर कोई इंसान ले रहा है तो वो माइलेज के लिए ही जाता है फ्यूल इकोनॉमी चाहिए फ्यूल इकोनॉमी चाहिए।, चाहिए एक छोटा सा इशू है कि बूट स्पेस में मुझे पर्सनली कम फील होती है स्पेस सस्पेंशन तो भाई तोड़ सुपर क्लास जैसे मैंने तारीफ सुनी थी यार कि मारुति की सर्विस एक्स वाई जेड इतनी ए है वैसी है ये है वो है लेकिन कहीं ना कहीं भाई कोई सी भी कंपनी हो कुछ ना कुछ उसमें इशू होता ही है व्हीकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस साइड के डोर के अंदर मैंने उसको ये बोला था मैंने कि जब तक ये फिक्स नहीं होता है

तो समवेयर अराउंड फोर्टीन लेख्टी थाउजेंड के अराउंड साढ़े चौदह लाख की पड़ गई और उसमें भी बचे हैं नहीं डलवाया मैंने क्योंकि मेरा एक ऐसा मानना है कि मतलब जब गाड़ी थोड़ी पुरानी लगने लगेगी तो फिर मैं उसे अपग्रेड करूंगा तो है आता यार। इतने सारे ऑप्शंस थे ऑप्शंस थे या फिर अगर सब फोर मीटर के अंदर देखे तो इसी की फैमिली से ब्रीजा आती है उसका टॉप मॉडल ले सकते थे नेक्सॉन ले सकते थे तो इस कार को लेने के पूछे क्या पूरी स्टोरी रही है देखे यार सबसे मेन रीजन तो ये की जिस टाइम पे मुझे परचेस करनी थी ओके तो उस टाइम पे मैंने ऐसा नहीं कि गाड़ियाँ देखी नहीं देखी सारी गाड़ियाँ लेकिन उस टाइम पे मोस्टली सभी गाड़ियों के फेसलिप्ट आ रहे थे नेक्सोन सेल्टोस हो गया उसके बाद में रेजा तो मुझे लेनी नहीं थी तो मोस्टली फेस्लिप्ट वाला इशू चल रहा था तो मुझे यार ऐसा था कि यार अगर मैंने अभी ले ली तो आगे जाके उसका प्राइस डाउन होना ही है वैल्यूशन डाउन होनी है प्लस कहीं ना कहीं उसकी एक वो होता है ना कि यार ये पुराना वाला वर्जन है तो वाली चीज़ आ जाती है तो इस कारण मुझे वो नहीं लेनी थी तो इस कारण फिर मैंने नैक्सा में गया था और मेरा बजट इतना नहीं था हालाँकि मतलब मुझे नॉर्मली माइलेज चाहिए था सबसे मेन चीज़ यही है यह देखो भाई मारुति की गाड़ी अगर कोई इंसान ले रहा है तो वो माइलेज के लिए ही जाता है फ्यूल इकोनॉमी चाहिए फ्यूल इकोनॉमी चाहिए और मेरा रनिंग बहुत ज़्यादा है सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं तो मुझे फ्यूल इकोनॉमी चाहिए ही चाहिए थी अगर मैं दूसरी व्हीकल लेता तो उसमें एवरेज मतलब मान के चलो कि यार दस का आ रहा है बारह का आ रहा है या तेरह का आ रहा है इसमें भाई ऑन हाईवे आपको बीस तो मिल ही रहा है दे ही रही है दे ही रही है और मैं लाइट फुट ड्राइवर हूँ जेनअली बता रहा हूँ मैं लाइट फुट ड्राइवर हूँ तो मैं इजिली निकालता हूँ सिटी के अंदर भी अगर मैं चलाता हूँ अभी मुझे कंबाइंड अगर अभी हम देखेंगे उसमें तो सत्रह तो कंबाइंड मिला ही है सिटी एज वेल एज हाईवेज का और सिटी में कितना दे तो रही है माइलेज सिटी में भी मान लीजिए सत्रह तो दे रही है सोलह सत्रह के बीच में ही देगी माइलेज से रिलेटेड तो पूरा सेटिस्फाइड सेटिसफाइड कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं माइलेज में तो अब एसेज की बात करें तो वैसे तो जल्दी जल्दी बता देना इस हाँ। गाड़ी में क्या कुछ एसेसरीज लगी हुई है यार देखो रूफ रेल से मैंने रूफ ब्रेक कराई है वो भी कंपनी से ही कराई है बाहर से नहीं कराई है ठीक है हालांकि देखो मेरी कार पे देखोगे तो मैंने रूफ रैप कराई थी बट ये कंपनी से पूरी पेंट हो चुकी है तो इसकी भी अब प्राइसिंग कितनी आई थी शोरूम से पेंट की यार ये समवेयर अराउंड टेन टू ट्वेल्व के बीच में कुछ एक्सैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है लेकिन इतनी कुछ पड़ी थी उसके बाद में साइड स्टेप है फुट स्टेप है इसमें ठीक है गार्निश वगैरह है उसके बाद में फेंडर गार्निश है प्लस बैक में अगर जाते हैं तो बैक में भी गार्निश वगैरह डली हुई है रूफ रूफवेल्स इसमें है सीट कवर है अंदर मेट के जो अपने नीचे के रहते हैं वो सब कुछ मेट बहुत सारी एसेसरी लगाई है अगर मैं भी व्यूअर्स आपको जल्दी बताऊं तो यहाँ पर क्रोम स्ट्रिप्स आप देख सकते हो नीचे भी ब्लैक कलर के यहाँ पर स्कीट प्लेट्स पर पूरी गार्निश लगाई गई है और साथ ही में एक चीज़ और अच्छी लगाई है यहाँ पर ही देख सकते हो इसकी क्या कुछ कॉस्टिंग आई थी पता है यार मुझे फिगर exactly तो याद नहीं है मैं भी सारा लगेज कैरी करता हूँ ना तो आप ये एसेसरी मस्ट है साथ में सभी चीजें मतलब एक साथ में आती है आगे से लेके पीछे तक ये सारी मैट जो है सब साथ ली थी में उस जब आप ग्रैंड विटारा लेने गए थे तब ब्लैक कलर लॉन्च हो गया था हाँ तो गया था उस टाइम पे पर वो सीन ये था सिंपल सी बात मैं बताता हूँ जब मुझे परचेस करनी थी एक्चुअली मेरी मम्मी के बर्थडे पे मम्मी को मुझे गिफ्ट करनी थी ओके okay? तो उस टाइम पे डिलीवरी का बहुत मतलब इशू था मुझे जिस टाइम पे चाहिए थी उस टाइम में मिल नहीं रही थी मैं सिग्मा लेने गया था सिग्मा की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी फिर उन्होंने बोला कि डेल्टा हम अवेलेबल करवा पाएंगे मैंने ठीक है चलो डेल्टा अवेलेबल करवा दो टीम का तो ऐसा था कि डेढ़ महीने में मैंने ले ली थी मतलब जल्दी मिल गई जल्दी मिल गई वो तो ऐसा यार देखो सिंपल सी चीज़ है वेटिंग वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता है वो तो ऐसा कि पैसा देखो तमाशा देखो पैसा आपने दिया है तो मिल जाता है तो पहली चीज़ यार सोर्सेज भी डिपेंड करते हैं exactly. बिकॉज इतने सारे लोग है आपके पर्सनल टर्म से तो आपको पहले ऑफर करी जाएगी बिल्कुल सही बिल्कुल सही है ऑलमोस्ट दस हजार किलोमीटर चलने आ गई है गाड़ी तो yeah. यार बहुत सारी लॉन्ग ड्राइव हुई होगी exactly. तो कौन सी एक अच्छी लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस शेयर कर देना व्यूअर्स यार देखो मैं जनरली बताऊ तो मैं फोटोग्राफर हूँ ठीक है तो मेरा काम ट्रेवलिंग ही है तो मैं लॉन्ग रूट्स पे जाती रहता हूँ मतलब मान के चलो कि साढ़े चार सौ पाँच सौ किलोमीटर का रन मेरा अभी जनरली अभी लगा हुआ है इसके ऊपर तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई कंफर्ट के मामले में कोई इशू आपको आना ही नहीं है मैं बहुत गाड़ियों में बैठा हूँ इतना जब रन करता है इंसान तो उसकी बॉडी में थकान फील होती है कुछ भी कर लो आप कुछ ना कुछ मतलब फील हो गई कि आपको यहाँ पे दुख रहा है यहाँ पे दुख रहा है वो होगा लेकिन इसके अंदर भाई मैंने रात को जाग जाग के भी गाड़ी चलाई है मतलब मैं शूट में रात भर जागा हूं, फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा आराम करने के बाद कि हाँ चलो कार चला सकते हो फिर चलाइए तब भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार की बिल्कुल थकान हो रही है बढ़िया आराम से पीछे तीन लोग आराम से बैठ जाते हैं हाँ ये है कि भैया ज्यादा मोटे मोटे लोग अगर होंगे तो वो थोड़ा सा आएगा ठीक है बाकी हम जनरली ऐसे चार पांच लोग ही ट्रेवल करते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है हाँ एक छोटा सा इशू है कि बूट स्पेस में मुझे पर्सनली कम फील होती है स्पेस क्योंकि अभी हम जितना ट्रेवल किया है उस टाइम पे बूट स्पेस का बहुत इशू हुआ है थोड़ी सी बूट स्पेस हल्की ज्यादा होनी चाहिए आई गेस मेरे प्रोफेशन के हिसाब से हो सकता है वो लेकिन जो लोग इतना ट्रेवल नहीं करते हैं जिनको सिर्फ बैग्स रखने हैं तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं आपके होगा साथ तो ड्रोन कैमरा सब रहता है सारी अब देखो सा... सारे लगेज के साथ पांच लोगों के साथ कभी गाड़ी अंडर पावर फील हुई है नहीं यार ऐसा तो नहीं देखो सिंपल सी बात है यार की सबसे पहली चीज है की मैं उस तरह से गाड़ी चलाना चाहता भी नहीं हूँ और मैं चलाता भी नहीं हूँ सेफली गाड़ी चलाता हूँ अच्छे से चलाता हूँ लाइट फुटेड ड्राइवर हूँ तो मुझे कभी वो फील होते ही नहीं है सिंपल सी बात है और इकोनॉमी पे अभी भी हम सेवेंटी पे आए और भैया बोले ए सी चलाते हैं सस्पेंशन भी बढ़िया है सस्पेंशन तो भाई तोड़ सुपर क्लास एक फ्रेंड है मेरा भाई जैसे ही मेरा प्रशांत करके उसके पास तो फॉर्च्यूनर है तो उसने जब पहली बार चलाई थी तो उसको ऐसे लगा होगा कि हाँ ठीक है एक्स वाई ऐसी गाड़ी होगी लेकिन उसने जब चलाया तो उसने बोला कि कहीं ना कहीं ये समवेयर अराउंड सस्पेंशन और इन सब चीजों में वो कंफर्ट देती है

मतलब पांच लोग जाते हो तो, मुझे लग रहा है। अगर छोटा हो तो, तो नहीं फिर तारीफ बहुत सारी कर ली है तारीफ तो नहीं जेन्युइन बातें ही करिए बट एज ओनर कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम क्या कुछ दिक्कतें आई है इस कार को लेकर ये व्यूअर्स को शेयर करना यार देखो एक दो इशू तो कार के अंदर है सबसे पहले उसके बाद में जब मैं व्हीकल लेने गया था तो उस टाइम पे भी कुछ इश्यूज हुए थे मुझे जैसे मैंने तारीफ़ सुनी थी यार कि मारुति की सर्विस एक्स वाई जेड इतनी ए है वैसी है ये है वो है लेकिन कहीं ना कहीं भाई कोई सी भी कंपनी हो कुछ ना कुछ उसमें इशू होते ही है छोटे मोटे जो हैं कुछ इशूज़ हैं तो सबसे पहले तो देखा सिंपल सीज़ सी मैं बताता हूँ व्हीकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस साइड के डोर के अंदर ठीक है जब मैं गाड़ी लेने गया था तो पीडीआई क्या होता है कि जनरली हमको करना चाहिए लेकिन उन्होंने पहले से ही पीडीआई डी आई होके यहाँ पर लिख दिया था मतलब व्हीकल मैंने चेक भी नहीं किया है ओनर ने देखी लेकिन नहीं। वहां पे पीडीआई ओके लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट आया था कि यार ऐसा क्यों हुआ है फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है वहीं पे अपन चेक चेक करते हैं तो तो जब करा था था तो ये डोर लगता ही नहीं था। अब जैसे जनरली क्या बोलते हैं उसे क्या बोलता है तू एयर प्रेशर एयर प्रेशर के कारण इशू होता है पर इसमें इशू था डोर में पहले दिन से ही इशू था कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इशू आ ही रहा था इसकी विंडोज की जो ये जो है मिरर है जो है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था जो अभी भी कर रहा है मैंने कम से कम पाँच बार ये सर्विस सेंटर पर डाली थी मैं जेन्यूनली थॉट दूंगा पाँच बार मैंने इसे सर्विस सेंटर पर डाली पाँच बार उन्होंने डायग्नोस करने की कोशिश की फिर उन्होंने बोला कि फ़िक्स हो गई है तब अब पाँच बार अगर मैं बोल रहा हूँ तो पहले उन्होंने सही किया है फिर मुझे दिया है मतलब कि फिक्स हो जानी चाहिए थी लेकिन पाँच बार ऐसे मैं गया हूँ उसके बाद में भी इसमें इशू फिक्स ही नहीं होता था सबसे पहली चीज़ है कि मिरर जैसे ऊपर करते थे तो ऊपर जाते टाइम मिरर जनरली ऐसा ऊपर जाता है ये

भाई नहीं हुआ उससे फिर लास्ट में उनने मैंने बहुत बोला कि मैंने किया यार अब मैं कंप्लेंट कर दूंगा फाइनली और बहुत गुस्से में गया था तो उनने सिर्फ एक इशू फिक्स करके दिया है कि जो मिरर जो ऐसा मूव करके जा रहा था सिर्फ वो फिक्स हो गया है बाकी अभी भी आवाज़ तो उसकी आती है फिर मैंने हाथ जोड़ के उसको बोला मैंने प्रभु इतना ही ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी यार देखो सिंपल सी बात है कांच नीचे करके गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ मैं तो मैंने लास्ट में हार मान के बोला कि मैंने ठीक है भाई तू तो ए दे दे बस वो आवाज़ चलेगी बहुत है बाकी वो कड़कड़ तो करता है अगर मैंने मिरर खोला है तो उसमें आवाज़ आएगी आएगी प्लस एक और इसमें इशू है मैं को बताता हूं मुझे भूल गया था मैं जो ड्राइविंग सीट है वहां से कंटिन्यूसली स्टार्टिंग में एक आवाज आती रहती थी जो यहां से कुछ आती है पता नहीं वो किस चीज की आवाज है अभी तक मुझे समझ में नहीं आया और मैंने इसको फिक्स भी कराया है लेकिन अभी भी कभी 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 वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या वो जो रेल्स होती है जिसपे सीट आगे पीछे आती है शायद उसकी आवाजे क्या है वो भी अभी तक मतलब हल्की हल्की कभी कभी बच जाती है कुछ ना कुछ नॉइस आ ही रहा है एग्जैक्टली exactly. <laughs> बस इसी का आ रहा है बाकी अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं हुआ और इनफैक्ट ये प्रॉब्लम आपने मेरे को मिरर वाली बताई भी थी साइड ग्लास की कि आपने गाड़ी करी कितने दस दिन तो छोड़ी दी थी सर हाँ दस दिन मैंने छोड़ दी थी भाई क्योंकि सिंपल सी बात थी मैंने उसको ये बोला था मैंने कि जब तक ये फिक्स नहीं होता है तब तक मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा फिर भी फिक्स तो नहीं हुआ सेवेंटी परसेंट फिक्स हुआ पर थर्टी परसेंट मैंने बोला कि ठीक है यार मेरे शूट चलते हैं मुझे व्हीकल अगर यहाँ पे देखे जा रहा हूँ तो मुझे छः सात हजार रुपये मतलब खर्चा ऊपर से आ रहा था कि मैं गाड़ी अलग से करूंगा उसे फिर पे करूंगा तो उस कारण मैंने फिर वापस से ले लिया मैंने कि ठीक है यार तो देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी इस कार में इसके अलावा भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ भाई रिफाइनमेंट इतना अच्छा है इतने लोगों ने तारीफ की है अंदर कार चालू रहती है पता भी नहीं चलता है आपको वो बात तो है जबकि स्मार्ट हाइब्रिड वेरियंट है अब देखो यार इतना एक्सपीरियंस व्यूअर्स के साथ शेयर कर दिया उसके लिए थैंक यू सो मच बट वर्डिक की बात आती है ऑलमोस्ट साढ़े चौदह लाख डाल हजार चला लिए हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करोगे कार लेना चाहिए कि नहीं यार लेना चाहिए देखो सिंपल सी बात है आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता सबसे पहली चीज आपको माइलेज चाहिए ऊपर से ये रोड प्रेजेंस चाहिए भाई ये रोड प्रेजेंस तो कोई और नहीं दे रहा अभी इस बजट के अंदर तो भाई मेरा तो मस्ट रिकमेंडेड है

बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन अगर ये एकदम से इंप्रूव कर देंगे तो इनका एक वो सीन है ना कि यार कम बजट में इतनी सारी चीजें देना तो अगर एकदम से महंगी कार बना दी तो इनके लिए इश्यू तो करके एक एक कर बाकी हालांकि अलावा तो मुझे नहीं लगा ऑल राइट गाइज देखो यही थी आज की वीडियो थैंक यू सो मच जय भी अपना जेन्यून एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए गाइज इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना कुछ भी डाउट हो तो आप भेजिए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सो मिलते हैं